जो गठबंधन में सीटों के बंटवारे तक को सहजता से नहीं कर पाए, जब एक दूसरे के साथी को, जब ये लोग सीट बंटवारे में ही सम्मान नहीं देते, तो ऐसे में कैसे अपने अपने समर्थकों को ये कन्विंस करेंगे एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे बढ़ने की सोच वाला ये अलायंस है। लगातार इन लोगों का प्रयास यही रहता है, लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा, और परिणाम हम लोगों ने इनकी इस सोच का हरियाणा में अभी जिस तरीके से चुनाव हुए उसमें देखने को मिला, जहां पर हरियाणा जैसे राज्य की जनता ने, जहां पर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने एक तरफा इसमें अपनी भविष्यवाणी की थी कि विपक्ष सरकार बनाने जा रहा है, पर उसके बावजूद अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की इतने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी तो ये बात स्पष्ट है कि लोगों को समझ में आने लग गया कि 2024 लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जब मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल किया गया कि झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर सीट बंटवारे में महागठबंधन में काफी असहजता है, इसको लेकर जब उन्होंने जवाब दिया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बड़ा बयान दिया, साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि सोचिए कि ये लोग दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को सीट बंटवारे में ही सम्मान नहीं करते, तो कैसे अपने समर्थकों को ये लोग कन्विंस करेंगे एक दूसरे के पक्ष में वोट करने के लिए। और ऐसे में साफ तौर पे ये भी कहते हुए नजर आए चिराग पासवान कि इंडिया अलायंस जो है महत्वाकांक्षाओं का अलायंस है, ना कि विचारधारा का। तमाम मुद्दों को लेकर जब मीडिया कर्मियों के द्वारा उनसे सवाल किया गया तब क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। क्या होना है, क्या अभी तक सहमति जो है तेजस्वी यादव महागठबंधन में जो है वो खींचा ताना जारी है और तेजस्वी यादव नाराज दिख रहे हैं। भाई, जो गठबंधन में सीटों के बंटवारे तक को सहजता से नहीं कर पाए, जब एक दूसरे के साथी को, जब ये लोग सीट बंटवारे में ही सम्मान नहीं देते, तो ऐसे में कैसे अपने अपने समर्थकों को ये कन्विंस करेंगे एक दूसरे के पक्ष में मतदान करने के लिए। ये बात तय है, स्पष्ट है कि तथाकथित इंडिया अलायंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ अलायंस है, ये विचारधारा का अलायंस नहीं है, ये महत्वाकांक्षाओं का अलायंस है। एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे बढ़ने की सोच वाला ये अलायंस है। ऐसे में एक दूसरे को सीटों पर कैसे कम किया जाए, दबाया जाए, लगातार इन लोगों का प्रयास यही रहता है, लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा, और परिणाम हम लोगों ने इनकी इस सोच का हरियाणा में अभी जिस तरीके से चुनाव हुए उसमें देखने को मिला, जहां पर हरियाणा जैसे राज्य की जनता ने, जहां पर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने एक तरफा इसमें अपनी भविष्यवाणी की थी कि विपक्ष सरकार बनाने जा रहा है, पर उसके बावजूद अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की इतने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी तो ये बात स्पष्ट है कि लोगों को समझ में आने लग गया कि 2024 लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया, भ्रम फैलाने का काम किया। विपक्ष के लोगों के पास अपनी कोई नीति सिद्धांत नहीं है, सिर्फ झूठ बोलो और लोगों को डराकर अपना वोट लो। अब धीरे धीरे देश की जनता जो कुछ समय के लिए संभवतः लोकसभा के चुनाव में इनके साथ गई थी और ये लोग अतो उत्साहित हो रहे थे कि भैया अब एनडीए का कुछ नहीं रहेगा, एक एक करके तमाम राज्यों के परिणाम आप देखिएगा, उसमें सिर्फ एनडीए की सरकार बनेगी। हरियाणा से हम लोगों ने शुरुआत की, झारखंड, महाराष्ट्र अभी आगे है और दिल्ली से होते हुए बिहार, जहां पर आज मैं खड़ा हूं, यहां पर भी अगली सरकार एनडीए की ही बनेगी। आप लोगों पे परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है, आप लोगों के ऊपर एनडीए की सरकार के ऊपर परिवारवाद के ऊपर जो है आरोप लगाया जा रहा है। हम लोगों के ऊपर कौन आरोप लगा रहा है? परिवारवाद है नवंबर में सर आपकी पार्टी की रैली होने वाली है। देखिए, परिवारवाद माझी जी का जहां तक जिक्र है, उन्होंने कुछ नीतियों का समर्थन उन्होंने किया था, वो अपने परिवार के सदस्य को टिकट दें, कहाँ इसमें किसी को कोई आपत्ति है, उन्होंने तो दिया ही है उनके परिवार के ही सभी लोगों को, पर उन्होंने एक नीति का समर्थन किया था। माननीय न्यायालय ने जिस तरीके से आरक्षण के प्रावधानों में कुछ बदलाव को लेकर जिस तरीके से अपनी टिप्पणियाँ की थी, उसके बाद उन्होंने एक सोच का समर्थन किया था, उस सोच के आधार पर उन्होंने टिकट नहीं दिया। ये ऐतराज़ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे सांसद जमुई
उन्होंने इसकी टिप्पणी की थी। अब राजद परिवारवाद का आरोप लगा रही है, क्या आरोप लगा रही है, ये राजद और मांझी जी के बीच की बात है। देखिए, ये चिंता की बात है कि नई सरकार बनने के बाद क्यों पुनः आतंकी और आतंकी संगठन पुनः घाटी में और जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुए हैं। एक लंबे समय तक, जब तक केंद्र के शासन में जम्मू कश्मीर था, ना के बराबर ऐसी कोई घटना हम लोग को सुनने को मिली और पूरी तरीके से आतंकवाद पर नियंत्रण वहां पर हम लोगों ने पाने का काम किया। पर नई सरकार के बनते ही जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां पुनः सक्रिय हुई हैं, ये सवाल तो खड़े करता है कि क्या संरक्षण दे रही है वहाँ की उमर अब्दुल्ला जी की सरकार? क्या उमर अब्दुल्ला जी की सरकार के संरक्षण में आतंकियों को शय मिलता है कि उनके आने के बाद पुनः इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है? ये चिंता की बात है। जहाँ पर हम लोग इतने लंबे समय तक शांति कायम करने में सफल रहे, क्यों वहाँ पर पुनः आतंकी सक्रिय हुए हैं, इस पे सवाल बनता है। नवंबर माह में आपकी रैली होने वाली, आज मंथन भी आप लोगों ने किया, क्या रूपरेखा होगी? 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक भव्य रैली का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब थे, उसी वक्त हम लोगों ने आखिरी बार रैली का हम लोगों ने आयोजन किया था। इस बार पुनः हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। चुनावी वर्ष ऐसे में उस दिन गांधी मैदान से औपचारिक शंखनाद बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी उस मैदान में करेगी। उसकी तैयारी को लेकर आज हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश के पदाधिकारियों की, जिसमें सारे उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी जो बिहार से आते हैं, सारे महासचिव, सचिव, सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, सीमित लोगों की आज ये बैठक हम लोगों ने बुलाने का काम किया। इसकी रणनीति को लेकर चर्चा हुई, अभी भी चर्चा जारी ही है। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अभी भी ये बैठक चल रही है। इस रैली को कैसे विधिवत तरीके से एक बड़ी रैली की रूपरेखा तैयार की जाए, उसको लेकर आज मंथन हुआ। थैंक यू। तो आपने सुना कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर पे तमाम मुद्दों को लेकर जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा। साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग सीट बंटवारे में ही साथ ही एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, तो कैसे अपने तमाम जो नेता है, तमाम जो समर्थक है, उन्हें कन्विंस करेंगे कि एक दूसरे के पक्ष में वोट करें। साफ तौर पर ये भी कहते हुए नजर आए कि इंडिया अलायंस महत्वाकांक्षाओं का अलायंस है, ना कि विचारधारा का। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।